बिहार के वैशाली में पिछले दो महीने से जलभराव से आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के हाजीपुर में बाढ़ के बाद जल निकासी न होने से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान टायर जलाकर रोड जाम कर विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि पिछले करीब दो महीने से उनके इलाके में बारिश का पानी जमा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। घर में कमर से ऊपर पानी है, बेटा बेटी को कॉलेज स्कूल जाने में परेशानी है, दिक्कत है, नहीं जा रही है, दो महीना से बंद है। सरकार भी नहीं सुन रही है, मशीन भेजा, दो दिन मशीन चला, फिर उसके बाद मशीन बंद है। बच्चा लोग बीमार है, नहीं स्कूल जा रहा है, कमाने वाला के तबियत खराब हो गया, इतना तो पानी लगा हुआ है, कैसे आदमी आएगा, कैसे जाएगा। पानी निकालने के लिए दिया, सरकार पानी निकालने नहीं करता। 250-300 घर हम लोग का पूरे वार्ड नंबर 36 मीनापुर का डूबा हुआ है। इलाके में जलजमाव होने से बीमारियों का खतरा बढ़ा हुआ है, जिससे लोग दहशत में हैं। और बिहार के सुपौल में चार दिन हुई मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के सुपौल में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई अधिकारियों के सरकारी आवासों और ऑफिस परिसरों में पानी भरा हुआ है। बारिश ने नगर परिषद के बारिश और जल निकासी को लेकर किए गए दावों की पोल खोल कर रख दी है। जिले के SP आवास कोर्ट परिसर समेत कई इलाके करीब 3 फीट तक पानी में डूबे हैं। सड़कों पर बारिश का पानी आ जाने से कारोबारियों के व्यापार पर असर पड़ने लगा है। लोगों का आरोप है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से बारिश का पानी भरा हुआ है। गणेश चतुर्थी त्योहार को लेकर शहर के गांधी मैदान में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है और मेला लगा है, लेकिन मैदान में जल जमाव की वजह से सब कुछ पानी में डूबा है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दो दिन में बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर गंडक के अधिग्रहण क्षेत्र नेपाल के पोखरा में हुई बारिश के कारण गंडक बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांध पर दबाव ज्यादा हो गया, जल संसाधन विभाग की टीम बांध को बचाने में जुटी है। और गुजरात के सुरेंद्रनगर में पुल ढह गया है। नदी में एक ट्रक समेत कई गाड़ियां भी गिरी हैं। सुरेंद्रनगर को चूड़ा से जोड़ने वाला ये पुल गिरा है। सुरेंद्रनगर में होगावो नदी पर ये पुल बना था और ये पुल ढह गया है। रस्सी और नाव की मदद से 4 लोगों को बचाया भी गया।